वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं शाहबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकटॉप ठीक करके दिखाने वाला हूं। ये जो इंडक्शन कुकटॉप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर E4 का एरर आ रहा है और ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इसी को रिपेयर करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हमारे इंडक्शन कुकटॉप में E4 एरर आ रहा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या चेक करना है ताकि यह बिल्कुल ठीक हो जाए। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, इसको चेक करना है। और इस कंपोनेंट को चेक करने की वीडियो पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद इसके बराबर में चेक करेंगे, उसके बाद ये रजिस्टर लगा हुआ है इसको चेक करेंगे, फिर इस वाले रजिस्टर को और फिर इस वाले रजिस्टर को। तीन रजिस्टर लगे हुए हैं। फ्रेंड, इसका माइक्रो प्रोसेसर वोल्टेज को सेंस करने के लिए तीन रजिस्टर का इस्तेमाल करता है। एक रजिस्टर इनमें से यहाँ पर लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये लगा हुआ है और तीसरा रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। इन तीनों के सिग्नल होकर माइक्रो प्रोसेसर को जाते हैं, जिससे कि वह वोल्टेज को सेंस करता है। अगर वह वोल्टेज कम होगी तो E4 एरर आएगा, अगर वोल्टेज जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होगी तो E5 एरर आएगा। तो हमें पाथ को फॉलो करते हुए इन रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं कि वोल्टेज जितनी जानी चाहिए उतनी अगर माइक्रोप्रोसेसर तक जा रही है तो यह ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, तीनों रजिस्टर पर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। और रेक्टिफायर डायोड तो इसका ठीक है, चेक कर चुका हूं मैं, और आप भी नीचे वीडियो में देखकर सीख सकते हैं कि मैंने रेक्टिफायर डायोड को किस तरीके से चेक किया है। अब मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूं कि इसके रजिस्टर को मैंने किस तरह से चेक किया है। ये देखिए, रजिस्टर से वोल्टेज पास हो रही है और सिग्नल मूव कर रहा है। तो ये वाला रजिस्टर हमारा ठीक है। उसके बाद अगले वाले रजिस्टर पर चले जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो गई, 3 वोल्टेज के करीब पास कर रहा है, तो यह भी ठीक है। अब हम तीसरे रजिस्टर को चेक करते हैं और ये देखिए, यहाँ पर ये 0 वोल्टेज पास कर रहा है, मतलब सेंस हमारी माइक्रो प्रोसेसर तक वोल्टेज 0 जा रही है, जिसका मतलब यह है कि ये वाला रजिस्टर हमारा ख़राब है और अब हम इस रजिस्टर को चेंज करेंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रजिस्टर को चेंज करा, वोल्टेज पास होना शुरू हो गई, 1-2 वोल्टेज के करीब वोल्टेज पास हो रही है और माइक्रो प्रोसेसर ने वोल्टेज को सेंस करना स्टार्ट कर दिया है और हमारा इंडक्शन भी सही हो गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उस तरीके कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर और मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।